हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नम्रता क्लासेस। जैसे कि आप सभी ने प्रीवियस वीडियो में देखा था, मैंने पार्ट्स ऑफ द सेल के बारे में बताया था। आज की वीडियो में उसी का नोट्स है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, प्लीज जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज जल्दी जल्दी जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोज को लाइक करे, शेयर करे, और किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यू हैव लर्न दैट ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज मेनी ऑर्गन्स, द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स विच टूगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम्स। ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन सच एज डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक स्पेशलाइज फंक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, रूट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, लीव्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस of food. Each organ is further made up of smaller parts called tissue. A tissue is group of similar cells performing a specific function. An organ is made up of tissue which in turn are made up of cells. The cell in a living organism is the basic structural unit. पार्ट्स ऑफ द सेल देखिए क्या है, तो सेल मेम्ब्रेन, द बेसिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ द सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर इनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन, ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो कॉल्ड द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। द बाउंड्री ऑफ द सेल इज द सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। You have learned earlier that the cell membrane, there is an outer thick layer in cells of plant called cell wall. ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताया था, plant cells में पाया जाता है cell wall, जो cell membrane के बाहर होता है। ठीक है, एक मोटा सा layer होता है। This additional layer surrounding the cell membrane is required by plants for protection. Plants need protection against variations in temperature, high wind speed, atmospheric मॉइस्चर एक्सेट्रा। दे आर एक्सपोज टू दिस वेरिएशन बिकॉज दे कैन नॉट मूव, प्लांट सेल्स मूव नहीं करता है। साइटोप्लाज्म देखिए क्या, इट इज द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। ये क्या है, जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के बीच में पाया जाता है। वेरियस अदर कॉम्पोनेंट्स और ऑर्गेनिल्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया, जॉल्जी बॉडीज, राइबोसोम एक्सेट्रा। अब देखिए न्यूक्लियस क्या, इट इज एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। इट इज जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। इट कैन बी स्टेंड एंड सीन इजली विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग देख सकते हैं स्टैंड करके माइक्रोस्कोप के थ्रू। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वो साइटोप्लाज्म से जब सेपरेट होता है एक मेम्ब्रेन के थ्रू, उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड इन साइड ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, With a microscope of higher magnification, we can see a smaller spherical body in the nucleus. It is called the nucleus. Nucleus. In addition, nucleus contains thread-like substance called chromosome. These carry genes and help in inheritance or transfer of character from the parents to the offspring. The chromosome can be seen only when the cells divide. अब देखिए जीन क्या, जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट कंट्रोल द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। दिस मीन्स दैट योर पेरेंट्स पास सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन टू यू। इफ योर फादर हैज ब्राउन आईज, यू मे ऑल्सो हैव ब्राउन आईज। इफ योर मदर हैज कर्ली हेयर, यू माइट ऑल्सो end up having curly hair. However, the different combination of genes from parents result in different characteristics. Nucleus, in addition to its role in inheritance, acts as control center of the activities of the cell. The entire content of a living cell is known as protoplasm. It includes the cytoplasm and the nucleus. Protoplasm is called the living substance of the cell. अब ये मैंने बताया था प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, वही है देखिए। द न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइक द सेल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विदाउट न्यूक्लियर
the cells having nuclear material without nuclear membrane are termed as prokaryotic cells. ठीक है, एक बार फिर से देख लिए. The nucleus of the bacterial cell is not well organized like the cells of multicellular organism. There is no nuclear membrane. The cells having nuclear material without nuclear membrane are termed prokaryotic cell. The organism with these kinds of cells are called prokaryotes. Pro means primitive. Carrion means nucleus. Example, bacteria and blue-green algae. The cells like onion cell and chick cell having well-organized nucleus with a nuclear membrane are designated as eukaryotic cells. All organisms other than bacteria and blue-green algae are called eukaryotes. Eu means true, carrion means nucleus, मतलब true nucleus. While observing the onion cells under the microscope, did you notice any blank looking structure in the cytoplasm? It is called the vacuole. It could be single and big as in an onion cell. Chick cell have smaller vacuoles. Large vacuoles are common in plant cells. Vacuoles in animal cells are much smaller. You might have noticed several small colored bodies in the cytoplasm of the cell of Tricentia leaf. They are scattered in the cytoplasm of the leaf cells. These are called plastids. इसको क्या बोलते हैं? Plastids बोलते हैं. They are of different colors. ये अलग अलग कलर के होते हैं. Some of them contain green pigment called chlorophyll. कुछ green कलर के होते हैं. Green colored plastids are called chloroplast. जो green color का plastid होता है उसको क्या बोलते हैं? Chloroplast बोलते हैं. They provide green color to the leaves. ये क्या करता है? Green color provide करता है leaves को. You may recall that chlorophyll in the chloroplast of leaves is essential for photosynthesis. ये पहले भी मैंने बताया था, chloroplast जो leaf में होता है chlorophyll के वजह से, ठीक है, वो क्या होता है? Photosynthesis के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है. Thank you.